सोमनाथ में अवैध निर्माण पर चले 36 बुलडोजर कार्रवाई से पहले हुआ हंगामा, सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात। सोमनाथ में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के लिए 36 जेसीबी और मलबा हटाने के लिए 70 ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई गई है। शहर में गुजरात प्रशासन की ओर से अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ शुक्रवार रात से ही करीब 36 बुलडोजर इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। वहीं मलबा हटाने के लिए 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई है। बताया जा रहा है कि सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इस जगह का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के पीछे वाले हिस्से में कई सारे अवैध निर्माण बनाए गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। फिलहाल देर रात से ही कार्रवाई जारी है। हालांकि कुछ देर के लिए कार्रवाई को बंद भी रखा गया था। दरअसल सोमनाथ में गुजरात सरकार का बड़ा बुलडोजर एक्शन जारी है। इससे पहले यहाँ महीनों तक सर्वे चला। सर्वे का काम पूरा होने के बाद सोमनाथ मंदिर के पीछे के हिस्से में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को खाली करवाया जा रहा है। पिछले 2 सालों में यहाँ कई बार नए काम हुए हैं और इस कार्रवाई के बाद सोमनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य को और गति मिलने की उम्मीद है। अतिक्रमण खाली करवाने में देर रात ही स्टेशन शुरू कर दिया गया था। हालांकि कार्रवाई होते लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने कार्रवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लोगों को वहां से किसी तरह से हटाया और कार्रवाई शुरू की गई। मामले की गंभीरता पुलिस की निगरानी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई अभी थोड़ी देर तक और चलेगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यूज़ भारत। હાજી બાવા મસ્જિદની અંદર જીસીબી વયા ગયા છે।